Welcome to Borail News. Himanta Biswa Sharma, in Haflong on his campaign for the ensuing 12th NCHAC election. The Assam's Finance Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma, today arrived in Dimahasao for poll campaign to the 12th NCHAC election. He was accompanied by Assam's Health Minister, Pijush Hazarika, Dr. Numal Momin, MLA, Bokajan Legislative Assembly, Kishore Nath, MLA, Borkhola Legislative Assembly, and other senior leaders of BJP Assam Pradesh. Addressing a huge gathering here in Haflong Lal Field, Sharma said that the BJP-led government has taken all efforts for the development of Dimahasao district, like resolving the 10 months pending salary to the NCHAC normal sector employees as committed earlier, where the government has granted rupees 80 crores, thereby improving economy of the people of the district. He said that to resolve the salary issue permanently, the revenue has increased up to rupees 40 crores under CEM Gorlosa led BJP council in comparison to the previous leaders Prakanta Warisa and Debojit Thausan, which was rupees 17 crores. Earlier, the minister on his arrival attended a series of campaign meet and will address several other elections on his way to Guwahati tomorrow. देर नहीं किए आप लोग सड़क पे फुटपाथ पे मार्केटिंग कर रहा था उसने इतना बढ़िया मार्केट बना के दिया आने वाले समय में ये मार्केट आप लोगों के लिए उपहार बन के रहेगी मैं चाहता हूँ कि महासाव तरक्की करे जैसे हम लोग का महासाव के हाफलंग में हम लोगों के यहाँ पे हेलीपैड बना है आगे में जाकर के जो ये हेलीपैड आप लोगों का यहाँ पे पेशेंट भी ले जाने के लिए गुवाहाटी तक 40-50 मिनट लगेगा ये बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते और आप लोगों को जगह जगह रास्ता बन रहा है हम लोग को माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने दिमाहासाव के लिए सड़क के लिए इतना पैसा दिया है दिमाहासाव में आने वाले समय में दिमाहासाव का एक भी जगह रास्ता कच्चा नहीं रहेगा सब पक्का बन जाएंगे मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये हम लोग का जो करप्शन अगेंस्ट करप्शन गवर्नमेंट काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी जैसे बोल्ड स्टेप ले रहा है उसके साथ भी आप लोग जुड़िए और 19-19 तारीख को हम लोग का भारी बहुमत से आप लोग जिताएंगे तो जाकर के दिमाग आगे तरक्की करेंगे मैं और एक दूसरा बात बोलना चाहता हूँ ये अगुआ हमें यहाँ पे मिल रहा है पूरा जगह जगह लोग बीजेपी के अगेंस्ट में दर दिलखिला करके माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट खुद हासिल करना चाहते हैं वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी एंटी क्रिश्चियन है ये चीजें बोलते रहते हैं मैं आप लोग को बोलता हूँ कि बीजेपी कभी भी एंटी क्रिश्चियन नहीं है बीजेपी क्रिश्चियन के सभा में लगे हुए हैं बीजेपी ने आसाम में दो कैंडिडेट एक दिया एमएलए के लिए और जिताने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजा हेमंत जी भी भूकाजन ने किया और हमको माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी से एमएलए बना के आप लोगों के आगे में पेश किया है ये कभी बीजेपी एंटी क्रिश्चियन नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहा है दिन में 19 का बीजेपी को आप लोग वोट मारना है और बाकी दूसरा पार्टी को क्यों नहीं मारना है उसका आप लोग हिसाब नरेंद्र मोदी जी चंद्रन में जो दिल्ली सरकार बनने का बाद में हम लोग दिमा आसाम में क्या मिला और आसाम में सर्वानंद सोनोवाल जी का सरकार और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सरकार में हम लोग क्या मिला है और दिमा आसाम में 2 साल 6 महीना में हम लोग क्या किया उसी हिसाब से आप लोग वोट मारना है तो इसलिए आप लोग आने वाला दिन में हम लोग का जो यहाँ का नया कैंडिडेट जिब्राज तावला गुफू और जातिंगा का एक्सनल बड़ोबाई और नामरंग जीनी पठान रंगखोल उसको आप लोग जिताना होगा चाटिंग का तो हम लोग वर्ल्ड फेमस है
दुनिया भर का वहां पे शेरे आता है, लेकिन वो उसको बनाना चाहिए। हम लोग एक गेस्ट हाउस भी नहीं है। आप लोग देखिए, हम 2 साल 6 महीना में मिला है, लेकिन पूरा तो हम लोग उल्लू से ज्यादा तो हम लोग काम करा है। इसलिए आप लोग समय देने से आने वाले दिन में और भी काम करेगा, जटिंगा को आगे लेके जाएगा, डोलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाएगा, और दिहामलाई कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग आगे लेके जाएगा। और हम लोग का आशीर्वाद से आप लोग का दिमाग हंसाओ, आप लोग का आशीर्वाद से आगे लेके जाएगा, बल्कि आप विश्वास में है। सबसे पहले मैं आप लोग को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि अभी रात से बात चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ बैठ के इतना शांति से हम लोग का बात सुन रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा सीएम देवूलाल गार्डोसा जी ने अपना भाषण में हमारा सरकार ने जो 2.5 साल का शासन किया, ये 2.5 साल में हमारा उपलब्धि क्या रहा, हमने क्या क्या किया, इसका बारे में आप लोग को बताया। भाषण में सीएम साहब ने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस नीति का सम्मान करता है। हमारा सामने एक हिंदू और क्रिश्चियन और मुसलमान जब विकास का बात आते हैं, हम इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, हम सबको सम्मान करता है और सबके लिए विकास का काम करता है, ये हमारा नीति है। साथ साथ में गार्लोसा जी ने अपना भाषण में ये भी बताया कैसे बंगाली समाज हो, अहमिया समाज हो, हिंदी भाषी समाज हो, और कैसे ट्राइबल लोग सबका साथ मिल के हम ये जिला का विकास के लिए काम कर रहा हूं, इसका बारे में भी आप लोग को बताया। हमारा पहले एजीपी का सरकार था, प्रकांत वारिसा का था, या हमारा देवजीत हाउसेन था, सब वो लोग का सरकार का दिन में काउंसिल का रेवेन्यू खाली 17 करोड़ रुपीज था। अभी हमने ईमानदारी से काम किया, आज काउंसिल का रेवेन्यू 35-40 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन इतना में काम नहीं होता है, आगे में हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने विचार किया, इसके लिए हमने मंथन किया, और हमारा नॉलेज में ये भी आया कि उमरांसु में नेपको में जो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसका फायदा काउंसिल को आज तक कुछ नहीं मिला है। जब 100 यूनिट प्रोडक्शन होता है, 12 यूनिट फ्री में असम सरकार को नेपको देता है, असम सरकार का ये प्रॉफिट होता है, लेकिन वो प्रॉफिट एक्चुअली असम का भी है और एक्चुअली उत्तर कासार का जनसाधारण का भी है, ये हमारा बराबर का है। इसलिए हमने ये भी सिद्धांत लिया है, मेरा आगे वाला जो 6 फरवरी का बजट होगा, इसमें हमने इसका व्यवस्था करूंगा कि नेपको से जो भी 12% का फ्री इलेक्ट्रिसिटी होता है, उनको बिक्री करके जो भी पैसा मिलता है, ये 6% रुपया हम काउंसिल को लौटा देगा, ये काउंसिल का रेवेन्यू बनेगा। ऐसा फैसला कभी कोई सरकार ने नहीं किया। अगर काउंसिल को 6% इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कमाई है वो मिल जाता है, कैला का रॉयलिटी, कोल का रॉयलिटी पूरा आपको मिलता है, तब मेरा विश्वास है, मैं ये मानता हूं कि कम से कम काउंसिल का कर्मचारी को समय में तनख्वाह मिलेगा, ये निश्चित हो जाएगा। उसका बात भी कुछ रह जाएगा, 10-15 करोड़ रुपया वो हम देगा, ये भी हम यहां वादा करके जाना चाहता हूं। इसलिए हम किसी का साथ ना इंसाफ देखना नहीं चाहता हूं। मोदी जी ने हमको सिखाया सबका साथ खड़ा रहो, सबका साथ विकास करो, हमारा ये वादा रहेगा आप लोग का, ये हमारा संकल्प होगा कि उत्तर का सर पार्वत्य जिला का भी विकास हो, और देखते देखते असम का दूसरा जिला जैसे आज विकास हो रहा है, इतना आगे उत्तर का सर
चला जाए, बिना हंसाओ चला जाए, ये हमारा लक्ष्य होगा, ये हमारा संकल्प होगा। तो इसलिए मैं आप लोग को विनंती करता हूं कि हमारा सारे उम्मीदवार यहाँ है और सारे उम्मीदवार को जिताना मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ आगे पीछे दाहिना बाया कहीं भी मत देखिए, जहां भी कमल है, पद्म फूल है, पदुम फूल है, वहीं जाके आप लोग वोट दीजिए और उसी से ही हमारा जिला का विकास होगा, हमारा एरिया का विकास होगा, हफलोंग शहर का विकास होगा। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग सब मेरे से यहाँ में मेरे से बड़े लोग भी हैं, मेरा दोस्त लोग भी है, यहाँ में मेरा माँ भी है, मेरा बहन भी है। मैं आप लोग को गलत रास्ता कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं गलत रास्ता कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट को वोट देगा, एजीपी को वोट देगा, उससे हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। ये सारों कैंडिडेट को हमको जिताना है और आप लोग के ताली मार के सारा लोगों को आशीर्वाद कीजिए, ये लोगों को आशीर्वाद कीजिए और ये सारों कैंडिडेट का साथ हम खड़ा है, सुनोल साहब खड़ा है, मोदी साहब खड़ा है, हजर साहब खड़ा है, हमारा गालोसा साहब खड़ा है, हम लोग सब मिलके ये सारों कैंडिडेट को हम ताकत देगा और अपना अपना एरिया का विकास करेगा, ये मैं आप लोग को वादा करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, ये लोगों को आशीर्वाद देते हुए आप हमारा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ 28 का आसन आছে, আমি আশা করো যে 15খনৰ পৰা 20খন আসন আমি ইয়াত লাভ করব, বেশি হলেও কম নহয়।